Hi all, this is Anjali और इस वीडियो में हम करेंगे कुछ sequential programs ताकि आप operators की थोड़ी और practice कर सको. So हमने different operators कर लिए हैं, अब इनमें हम formulas apply करेंगे जहाँ पे वो सारे operators use होंगे. So इन्हें हम sequential programs भी कह सकते हैं क्योंकि sequence का मतलब होता है कि जितनी भी instructions आपने लिखी हैं वो एक-एक करके एक के बाद एक execute होती जाएं. तो अगर मेरे प्रोग्राम में 7 लाइंस हैं तो वो पहले फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फोर्थ को एंड सो ऑन. सो इसलिए हम इन्हें सीक्वेंशियल प्रोग्राम्स भी कहते हैं. इस पूरी वीडियो में हम तीन प्रोग्राम्स करेंगे. पहला होगा एरिया ऑफ अ सर्कल, जिसमें हम यूज़र से रेडियस इनपुट करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे और प्रिंट करेंगे. दूसरा प्रोग्राम हम करेंगे एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, जहाँ पर लेट्स से हम स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करवा लेंगे और फिर उसकी टोटल और एवरेज मार्क्स निकाल के प्रिंट करेंगे कि कितना आया है. और तीसरा प्रोग्राम हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के लिए, जिसमें हम पूछेंगे कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट उसने बैंक में डिपॉजिट किया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कितने टाइम के लिए किया. उसके अकॉर्डिंगली सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितना आता है. सो बेसिक प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर यूज़र से इनपुट लिया जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूलास और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हम आउटपुट में शो कर देंगे. सो दैट इज सीक्वेंशियल प्रोग्राम्स. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू नो कि किस तरह से ये प्रोग्राम्स बनते हैं. एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन एंड डू शेयर द वीडियो विद अदर्स जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द थिंग. सबसे पहले करते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल. सो ये है कोड ब्लॉक. यहाँ पे हम सबसे पहले एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना चाहते हैं. तो मुझे पता है कि रेडियस वगैरह जो होता है वो यूजुअली पॉइंट्स में हो सकता है. सिंस वो पॉइंट में हो सकता है सो इट्स बेटर टू टेक इट एज फ्लोट, या फिर आप डबल भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है. सो फ्लोट और डबल दोनों डेटा टाइप्स यूज होते हैं जब हमें पॉइंट्स में वैल्यूज़ लेनी होती हैं. तो अगर मुझे पॉइंट्स में वैल्यूज़ चाहिए, इट्स बेटर कि आप वेरिएबल का डेटा टाइप या तो फ्लोट लो या डबल लो. अब क्या करना है, आपको रेडियस पूछना है. सो आपको रेडियस पूछना है तो आप पूछोगे यहाँ पर एंटर रेडियस, एंटर रेडियस, और मुझे वो इनपुट कराना है. सो आई विल राइट सी इन रेडियस और उसके बाद एरिया कैलकुलेट करेंगे. जो एरिया है वो होगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस. सो पाई आर स्क्वायर जो है वो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का. सो पाई आर स्क्वायर इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया. तो पाई की हम फिक्स वैल्यू ले सकते हैं जो कि 22/7 या फिर 3.14 होती है. और उसके बाद आप एरिया जो आया है उसे प्रिंट कर सकते हो. सो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे कि एरिया जो है वो कितना आया है, इतना. सो इट विल बी प्रिंटेड. तो वो प्रिंट करेगा एरिया इज और फिर जो भी एरिया की वैल्यू बनती है. सो दिस इज़ हाउ वी कैन राइट अ प्रोग्राम. सो बहुत सिंपल सी चीज़ है, वेरिएबल डिक्लेयर किए, फिर जो वैल्यू यूज़र से इनपुट करनी है वो यूज़र से पूछी, सी इन करी, फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगाने के बाद रिजल्ट कैलकुलेट करके प्रिंट करा दिया. जैसे मैंने 7.5 एंटर किया, अब एरिया आ गया 176.625. ठीक है, आप दोबारा से रन करोगे, वो दोबारा से आपसे पूछेगा एंटर रेडियस. हम कुछ भी रेडियस एंटर करें, जो भी आप रेडियस एंटर करोगे, मैंने एंटर किया 12.2, तो उसके अकॉर्डिंगली रेडियस का एरिया आ गया 467.358. सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपने किस तरह से कोडिंग करी है. तो आप प्रोग्रामर हो, आप डिसाइड करोगे कि कंप्यूटर को कैसे काम करना है. जिस तरीके से हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं उसी ऑर्डर में, उसी तरीके से स्टेटमेंट्स एक एक करके एग्जीक्यूट होती हैं. सो दिस इज़ योर कोड टू गेट एरिया ऑफ अ सर्कल. सिंपल सा प्रोग्राम है ये. प्रोग्राम आप खुद बना के ट्राई करना अपने सिस्टम पे. बाकी अगर ये प्रोग्राम आपको पूरा का पूरा एज इट इज़ चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये आपको गिटहब से मिल जाएगा. सो दिस इज़ माई गिटहब प्रोफाइल, जहाँ पे आपके पास ये C++ प्रोग्राम्स की रिपोजिटरी है. इसमें सारे के सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. सो मैंने यहाँ पे सब प्रोवाइड किए हुए हैं. आपको ये वाला प्रोग्राम भी चाहिए सो आई विल जस्ट ऐड दिस प्रोग्राम हियर. सो ये है हमारा एरिया ऑफ अ सर्कल. सो मैंने यहाँ क्रिएट न्यू फाइल किया
और ये प्रोग्राम जो हमने अभी बनाया है हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसका नाम दे देते हैं एरिया सर्कल डॉट सी पी पी एंड आई एम जस्ट गोइंग टू कमिट दिस. और ये प्रोग्राम आप इस गिटहब वाले लिंक से डाउनलोड कर सकते हो. सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हेयर. सो हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सो दैट यू कैन गेट द प्रोग्राम. ऐसे ही हम अब बाकी के दो प्रोग्राम्स भी बनाएंगे. और वो दो प्रोग्राम्स कौन से हैं? पहला था एरिया, वो हमने कर लिया. सेकेंड है एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट. सो आई होप आपको एरिया अच्छे से क्लियर है. सिंपल था, रेडियस इनपुट किया, फॉर्मूला लगाया, एरिया प्रिंट कर दिया. अब ऐसे ही मुझे एवरेज मार्क्स निकालने हैं. अगर मुझे एवरेज मार्क्स निकालने हैं तो मुझे क्या चाहिए? अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो ओरिजिनल मार्क्स हैं वो पॉइंट्स में ना हो, तो मैंने वहाँ पे ले लिया मार्क्स वन, या आप सब्जेक्ट्स के नाम भी ले सकते हो. अगर टेंथ क्लास के लिए है तो मैंने ले लिया इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, और क्या होता है, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, हिंदी. सो ये हो गए मेरे पास सब्जेक्ट्स. फिर मैंने यहाँ पर पॉइंट्स में आ सकता है एवरेज एंड ऑल, तो मैंने यहाँ ले लिया टोटल कॉमा एवरेज. और यहाँ पर यूज़र से पूछ लिया. अब मेरी मर्ज़ी है, मैं चाहूँ तो एक ही सी आउट दे के सारे मार्क्स पूछ सकती हूँ, या मैं ऐसे पूछ सकती हूँ एंटर मार्क्स फॉर इंग्लिश, पहले मैं ENG में एंटर करवा लूँ, फिर एंटर मार्क्स फॉर साइंस, मतलब एक एक करके मार्क्स भी एंटर कर सकते हो, या एक ही सी आउट भी दे सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. सो मैंने यहाँ पे मान लो एक ही सी आउट दिया. सो एंटर मार्क्स इन 5 subjects, इस तरह से दे दिया. तो मुझे बार बार सी आउट नहीं लिखना पड़ेगा और बार बार सी इन भी नहीं लिखना पड़ेगा. तो यूज़र 5 marks एंटर करेगा जो कि इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगे. सो ये हमने ले लिए इन वेरिएबल्स में. वेरिएबल्स को सिर्फ मीनिंगफुल नाम दिए हैं. सो आप कुछ भी नाम दे सकते थे, बट वैलिड नेम्स होने चाहिए. जो वेरिएबल नेम के रूल्स हैं दे मस्ट फॉलो दैट. SST, मैथ्स, हिंदी, टोटल हो गया. टोटल होने के बाद एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल को अगर हम 5 में से ले रहे हैं सब्जेक्ट्स में से, तो टोटल अपॉन 5 एवरेज हो गई. और उसके बाद यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं कि जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं टोटल, और मैंने उसे यहाँ पे प्रिंट करा दिया. सिमिलर वे में मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया एवरेज मार्क्स को. सो दैट इज़ AVG. सो हमने क्या किया, पहले 5 subject के मार्क्स रीड कर लिए, टोटल निकाला, टोटल को 5 से डिवाइड किया ताकि एवरेज आ जाए, और फिर टोटल और एवरेज को मैंने प्रिंट करा दिया. सो इसको रन करके देखते हैं. सो जिस तरह से हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, अगेन उसी तरह से आपका प्रोग्राम काम करेगा. सो जो जो हमने करने को कहा है अकॉर्डिंगली इट इज़ गोइंग टू वर्क. तो मैंने यहाँ पर मार्क्स डाले और यहाँ पर आ गया टोटल 355. सो एवरेज मार्क्स बनते हैं 71. आप दोबारा से रन करोगे, आप कोई भी वैल्यूज डालो. सो ये उसके अकॉर्डिंगली टोटल मार्क्स आए 420 और एवरेज मार्क्स हो गए 84. सो दैट इज़ हाउ वी कैन मेक प्रोग्राम्स. बहुत सिंपल होता है, सिर्फ आपको इनपुट लेना है, प्रोसेसिंग करनी है और आउटपुट को स्क्रीन पे शो करना है. दैट्स इट व्हाट यू हैव टू डू इन अ प्रोग्राम. सिमिलर वे इसको भी मैं गिटहब पे डाल देती हूँ ताकि मैं इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर सकूँ. एंड मुझे न्यू फाइल क्रिएट करनी है, सो आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल और इसका नाम हम दे देते हैं एवरेज मार्क्स डॉट CPP. And this is your file. इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हो. अदरवाइज आई वुड से कि आप खुद बना कर देखो, कोई एरर वगैरह आता है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो, बट कोशिश करो कि पहले आप उसे खुद बनाओ. ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा सेकेंड प्रोग्राम.
अब एक और प्रोग्राम है तीसरा, जिसमें क्या करना था, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था. तो अभी मैं आपको कहूँगी कि आप फॉर्मूला सुन लो, फिर इस वीडियो को पॉज करो, उसके बाद खुद लिखो कोड को, एंड देन रिज्यूम करके चेक करो क्या आपने वही कोड लिखा है जो मैं आगे बताऊँगी, ताकि आपको पता चले कि आप भी सही से कोड लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो. सो फॉर्मूला जो है वो होता है कि आपको तीन वैल्यूज़ इनपुट करानी है, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम. सो प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, तीन वैल्यूज़ आप यूज़र से इनपुट कराओगे, और फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100. जो आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा और आपको वो स्क्रीन पे शो करवाना है. ठीक है, सो ट्राई इट आउट ऑफ योर ओन, फिर उसके बाद रिज्यूम करके मैच करना कि आपका आंसर ठीक है या नहीं. ओके, सो हम अब कोड लिखते हैं. सो ज़रूरी नहीं है कि मैं वेरिएबल्स के नाम बड़े बड़े लिखूं, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. मैं PRT भी ले सकती हूँ. सो जहाँ पर मैंने ये अज्यूम किया कि P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, R स्टैंड्स फॉर रेट एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम. सो यहाँ पर यूजर से पूछ लिया कि एंटर प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम. सो यूज़र से मैंने पूछा कि प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम एंटर करो, जो कि यूज़र को एंटर करना है PRT में. सो हम PRT में ले लेते हैं यूज़र से, एंड ये वाले फॉर्मूलाज हमें नहीं चाहिए. इसकी जगह पर हमें अपना फॉर्मूला चाहिए टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, और वो फॉर्मूला होगा SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T डिवाइडेड बाय 100. सो P इंटू R इंटू T अपॉन 100, एंड देन हम यहाँ पर शो कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट. सो हमने यहाँ पे शो किया सिंपल इंटरेस्ट. सो सिंपल इंटरेस्ट इज, और आपको क्या दिखाना है, SI की वैल्यू. सो दैट इज इट. इनपुट लिया, फॉर्मूला लगाया, जो रिजल्ट आया उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया. इट्स दैट सिंपल. सो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं सब में आप ऐसे कर सकते हो, सिर्फ इनपुट लो, कैलकुलेट करो और उसको प्रिंट करा दो. दैट इज हाउ दीज वर्क. सो 7000 इज द प्रिंसिपल, 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 ईयर्स के लिए आप डिपॉजिट करा रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1050. सो इट डिपेंड्स कि हम क्या वैल्यूज़ एंटर करते हैं. सो जो भी वैल्यूज़ हम एंटर करेंगे अकॉर्डिंगली हमारे पास रिजल्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा. सो दैट इज़ क्वाइट सिंपल. सो दिस इज़ हाउ वी परफॉर्म कैलकुलेशंस, वी यूज़ ऑपरेटर्स. सो ये था आपका सेट 2 ऑफ द प्रोग्राम्स. नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ और सीक्वेंशियल प्रोग्राम्स करेंगे. तब तक आप क्या करोगे, पहली चीज़ आप इस वीडियो को लाइक करोगे, देन आप शेयर करोगे, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करोगे, एंड आप एक प्रोग्राम का कोड कमेंट्स में लिखोगे, दैट इज़ टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. तो आपको लेंथ एंड ब्रेथ पूछनी है यूज़र से, और रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करके प्रिंट कराना है. सो राइट द कोड इन द कमेंट्स, लेट मी सी हु ऑल कैन राइट द करेक्ट कोड. दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड बाय द टाइम आई अपलोड मोर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. ऑल द प्रोग्राम लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन. थैंक यू.